Hello friends, welcome to English Short and today's topic is compound consonant. Friends, सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है. कंपाउंड कॉन्सनेंट क्या होता है, कंपाउंड कॉन्सनेंट्स का मीन्स क्या होता है. कंपाउंड मीन्स होता है जोड़ना, कॉन्सनेंट मीन्स कॉन्सनेंट्स. हमारे जो मैंने 24 बेसिक करेक्टर्स करवाए थे पार्ट वन में, वो हमारे कॉन्सनेंट हैं. ठीक है, जब दो कॉन्सनेंट्स को हम जोड़ते हैं और उसकी एक आउटलाइन बनाते हैं तो वो कंपाउंड हो जाती है. ठीक है, दो कॉन्सनेंट चाहे वो डब्लू वे के साथ के हो या डब्लू के साथ जी, ये हमारे दो कॉन्सनेंट हैं, वे प्लस के. ओके, सो इन दोनों को जोड़ के कोई एक आउटलाइन बन जाए तो वो हमारी कंपाउंड कॉन्सनेंट होती है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड कॉन्सनेंट रूल नंबर वन से. इसमें मैंने लिखा है ए लार्ज इनिशियल हुक एट्स वे डब्ल्यू टू के एंड गे, जो मैंने यहाँ बताया भी है. ए लार्ज इनिशियल हुक, इनिशियल हुक लगेगा लार्ज वाला, एट्स वे जो हमारा वे वे को एड्स करेगा के और गे के साथ. ओके, जैसे के स्ट्रोक है, गे स्ट्रोक है, हमारा कॉन्सोनेंट है, इसके साथ हमारा ऐड होगा वे डब्ल्यू को और गो. ओके, ये हमारा वे एड्स होगा विद ए लार्ज इनिशियल हुक, इनिशियल में होगा, लार्ज हुक होगा, वो हमारा वे पढ़ा जाएगा बट को कै के साथ और गै के साथ. ठीक है, इनिशियल में. ओके, फॉर एग्जांपल पहले हम लिखते थे कीन, हम लिखेंगे सो ये होगा हमारा कीन. अब है क्व, क्व क्वीन, साउंड इज क्व, कै के साथ, के के साथ व वाली साउंड है डब्ल्यू की, सो आउटलाइन हमारी इनिशियल लार्ज हुक लग की बनेगी क्वीन. ओके, इनिशियल में लार्ज हुक क्वा और गुआ के लिए होगा. नेक्स्ट एग्जांपल इज ग्वेन, आउटलाइन शुड बी, ये हमारा जी ग, ये हो गया हमारा गुआ. ओके, क्वा और गुआ के लिए लार्ज इनिशियल हुक लगेगा, इनिशियल जो हमारा व साउंड आने पे, डब्ल्यू की साउंड आने पे हम यूज़ करेंगे, बट साउंड होगी कै के बाद या गै के बाद. ओके, नेक्स्ट इज क्विक, के डब्ल्यू एंड देन के स्ट्रोक, सो क्व एंड इक क्विक. ओके, ये हो गई हमारी क्विक की आउटलाइन. सो फर्स्ट रूल हमारा कहता है ए लार्ज इनिशियल हुक एड्स डब्ल्यू टू के एंड गे, ये हमारे कंपाउंड वर्ड्स हैं, इट मीन्स दो वर्ड्स मिलके हैं ये हमारी एक आउटलाइन बनेगी. के और डब्ल्यू दो कॉन्सनेंट हमारे मिले, दो कॉन्सनेंट मिलके हमारी एक आउटलाइन हो गई. डब्ल्यू के लिए हम लार्ज इनिशियल हुक लगा देंगे और के स्ट्रोक. ओके, इसी में हमारा सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, स्ट्रोक एल आफ्टर क्व इफ फॉलोज बाय वोवल. स्ट्रोक एल, अगर क्व, ये जो हमारा क्व है, के बिफोर इनिशियल लार्ज हुक लग रहा है, उसके बाद अगर एल हुक आ जाए, सॉरी एल स्ट्रोक आ जाए, एल आए, तो हमें क्या करना है. इसके हमारे दो पॉइंट बनते हैं, एक तो If vowel followed by a vowel, L के बाद vowel sound हो, और second है L के बाद vowel sound ना हो. तो ये तो हमने पढ़ रखा है कि L के बाद अगर vowel sound आती है तो L upward ही होगा, upward and downward L में मैं करवा चुकी, और downward L होगा जब L के बाद कोई vowel sound ना हो. ठीक है, vowel sound बाद में है तो upward L और नहीं है तो downward L. अब हमें पढ़ना है कि स्ट्रोक एल आफ्टर क्व, क्व
कुआ के बाद अगर एल की साउंड आती है तो एल हमें कौन सा बनाना है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, तो इसमें कोई डाउट होगा नहीं आपका। ओके सो एग्जांपल है स्क्वेली आउटलाइन शुड बी ली, एल अपवर्ड यूज होगा स्क्वेली। ओके अपवर्ड क्यों यूज होगा, क्योंकि वोवल साउंड बाद में है, अगर वोवल साउंड बाद में ना हो तो एल डाउनवर्ड यूज होगा कुआ की बात। ठीक है ये हमारा वोवल साउंड नहीं होने पे, इफ नॉट फॉलोड बाय अ वोवल, अगर वोवल साउंड ना हो एल के बाद, ये स्क्वेल है एल के बाद कोई वोवल साउंड नहीं है, ये एल के बाद वोवल साउंड है एल अपवर्ड यूज होगा, एल के बाद वोवल साउंड नहीं है तो एल डाउनवर्ड यूज होगा कुआ के बाद। ठीक है कुआ हमारा ये। ओके सो आउटलाइन शुड बी स्क्वेल सर्कल एस कुआ एंड देन एल स्क्वेल। ओके एल के बाद कोई वोवल साउंड नहीं है तो एल हमने डाउनवर्ड बनाया, एल के बाद वोवल साउंड है तो एल अपवर्ड होगा। ओके फ्रेंड्स सो ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है जिसके हमने तीन पॉइंट्स बनाए हैं। और फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा लंबा हो सकता है पर हमें ये नहीं देखना कि चैप्टर कितना लंबा हो रहा है, हमें एक एक बात को समझ के चलना है। ठीक है कोई डाउट्स हमारा नहीं रहना चाहिए, चैप्टर चाहे कितना ही लंबा हो जाए बस आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आया। ठीक है ध्यान से समझना है, कोई जल्दी नहीं है कि हमें कोई ट्रेन पकड़नी है, नहीं हमें आराम से समझना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ के फिर आगे चलना है। अगर आपका अभी ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आपको इसे दोबारा देखिए ना कि आगे चलिए। ओके सो हम चलते हैं अब नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर फर्स्ट हमारा हो गया कुआ डब्लू विद के एंड के लार्ज इनिशियल हुक एंड वोवल साउंड बाद में आने पे पहले आने पे, मतलब एल के बाद वोवल साउंड आती है तो एल अपवर्ड और वोवल साउंड नहीं आती है तो डाउनवर्ड एल कुए के बाद। ओके नेक्स्ट रूल इज हमारा सेकंड रूल है इनिशियल डब्लू, स्टार्टिंग में डब्लू आएगा तो क्या करना है, ए स्मॉल इनिशियल हुक टू एल, एल के बारे में बात की गई है, ए स्मॉल इनिशियल हुक टू एल रिप्रेजेंट्स डब्लू, ये है रिप्रेजेंट्स बाय डब्लू वे, एल के साथ जो स्मॉल हुक लगेगा वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा वे को। ओके इससे पहले हमने रूल नंबर वन में कुआ वाला पढ़ा है, कुआ लार्ज इनिशियल हुक विद के, अब हम पढ़ेंगे एल के साथ व डब्लू हुक। ठीक है कंपाउंड वर्ड्स हो गए, ये हमारे कंपाउंड कॉन्सोनेंट हैं, एल के साथ डब्लू की साउंड आएगी तो हम स्मॉल इनिशियल हुक यूज़ करेंगे। ओके फॉर एग्जांपल एल हमारा होता है ऐसे, बट इससे पहले अगर डब्लू आ जाए वेल सो हमारी आउटलाइन कैसी होगी, ये होगी स्मॉल इनिशियल हुक लगा के। अब हमें कंप्लीट स्ट्रोक बनाने की जरूरत नहीं है, हम स्मॉल इनिशियल हुक लगाएंगे और एल बना देंगे। ओके स्मॉल इनिशियल हुक टू एल, एल के साथ स्मॉल इनिशियल हुक वे लगाने पे ये हमारा वेल बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट इज वेल्ड। ओके वेल्ड स्मॉल इनिशियल हुक लगाना है एल के बिफोर, एल के पहले आ रही है वे की साउंड, एल से पहले वे साउंड आने पे हम एल के साथ स्मॉल हुक अटैच कर देंगे। ओके विल। ओके ये स्मॉल हुक हमारा डब्लू वे को रिप्रेजेंट करता है एल के साथ। ठीक है इनिशियल हुक एल के बिफोर में पहले इनिशियल में हुक लगेगा वे का स्मॉल हुक। ठीक है इसी में सेकंड पॉइंट है हमारा इनिशियल डब्ल्यू एच वह, ये वे था वे वाला वेल,
अब अगर WHI इनिशियल में, स्टार्टिंग में, L से पहले, तो क्या होगा? ए लार्ज इनिशियल हुक टू L. L के पहले एक लार्ज इनिशियल हुक लगेगा जो रिप्रेजेंट करेगा WH को. यहाँ हमने स्मॉल हुक यूज़ किया L से पहले जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है W को. ठीक है, अब हम L से पहले लार्ज इनिशियल हुक लगाएंगे जो हमारा WH को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, फॉर एग्जांपल व्हाइल लार्ज इनिशियल हुक देन L, व्हाइल वेल लार्ज इनिशियल हुक L, वेल. ये हमारा L है, L अपवर्ड. L के बिफोर, L से पहले इनिशियल, इनिशियल मीन्स होता है किसी भी स्ट्रोक के पहले. ठीक है, सो ये हमारा L है सेकंड स्ट्रोक, इससे पहले WH आ रहा है, L से पहले WH आ रहा है. यहाँ L से पहले W था तो स्मॉल हुक लगा, WH आएगा तो लार्ज हुक लगा देना है. ठीक है, कंप्लीट आउटलाइन नहीं बनानी हमें, हमें अब हुक यूज़ करना है कंपाउंड कॉन्सनेंट में. ठीक है, दो कॉन्सनेंट्स की साउंड एक साथ इकट्ठी आती है तो वहाँ हम एक ही आउटलाइन बनाते हैं. यहाँ डब्ल्यू एच की साउंड है तो डब्ल्यू एच के लिए हमने लार्ज हुक यूज़ किया. ठीक है, सो ये है हमारा सेकंड रूल, अच्छे से समझ लेना है. इनिशियल डब्ल्यू एंड इनिशियल डब्ल्यू एच, इनिशियल वे एंड वे, डब्ल्यू एच एच वाली साउंड है वे. सो इसमें स्मॉल हुक लगेगा, एल वाली, एल की बात चल रही है यहाँ पे सिर्फ रूल नंबर सेकंड में, कि L के पहले स्मॉल हुक लगेगा W के लिए, L से पहले लार्ज हुक लगेगा W H के लिए. While, Where, इनमें हम L से पहले W H आ रहा है तो लार्ज हुक लगेगा. ओके, ये हो गया हमारा सेकंड रूल. थर्ड रूल पे चलते हैं. स्ट्रोक L एंड R थिकेंड. स्ट्रोक L और R अब हम डार्क करेंगे. ठीक है, जो अब तक हमने जैसे लाइट, L हमारा लाइट होता है, L को आप अपवर्ड भी लिख सकते हैं, डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं. ठीक है, जो हमने लाइट पढ़ा, R डाउनवर्ड, R अपवर्ड, लाइट पढ़ा. अब इनको डार्क कर देंगे जब हम, इसको डार्क करने पे सिर्फ डाउनवर्ड को, डाउनवर्ड R हो चाहे डाउनवर्ड L हो, इनको डार्क कर देंगे तो इनमें एक और कॉन्सनेंट की हमारी साउंड जुड़ जाएगी. ठीक है, सो ये हमारा कंपाउंड कॉन्सनेंट्स में थर्ड पॉइंट रूल है. स्ट्रोक L एंड R थिकेंड डाउनवर्ड, नॉट अपवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड L और डाउनवर्ड R. फर्स्ट पॉइंट है हमारा, डाउनवर्ड L इज थिकेंड फॉर द एडिशन ऑफ R preceded by any lightly sounded vowel. Okay, downward L is thickened. Downward L हमारा dark होगा addition of R. R की sound जब L के साथ जुड़ेगी तो हमारा L dark हो जाएगा. For example, veil. ये L हमारा light है. Okay, but यहाँ सिर्फ L है, L के साथ R की sound जुड़ जाए, वेलर, L और R, L के साथ हमारी R साउंड जुड़ रही है, तो इसमें हमारी क्या आउटलाइन होगी? ये हमारा वे और ये L, वेलर. L हमारा आप देख सकते हैं डार्क हो गया. डार्क क्यों हुआ? क्योंकि L के साथ R की साउंड जॉइंट हुई है, जुड़ी है, ऐड हुई है, तो L हमारा डार्क हो जाएगा. बट इस आउटलाइन को जब आप रीड करेंगे तो वेल ना पढ़ के वेल ना पढ़ के या वेल ना पढ़ के आप इसे वेलर पढ़ेंगे. ये डार्क है तो इसका मतलब है इसमें एक और साउंड जुड़ रखी है किसी कॉन्सनेंट की. सो एल के साथ हमारी आर की साउंड जुड़ती है. एल में, एल अगर हमारा डार्क है तो आप इसे एल और आर इकट्ठा पढ़ेंगे. ठीक है, ऐसे ही हमारा रूलर, एल के साथ आर की साउंड जुड़ी है. ठीक है, तो L हमारा थिकेंड होगा, बट L शुड बी डाउनवर्ड, L हमारा डाउनवर्ड होना चाहिए. ओके, रूलर,
आर लर रूलर। ये एल है हमारा डाउनवर्ड है, डार्क है, क्योंकि एल के बाद आर की साउंड जोड़ रखी है। रूलर फुलर एफ और ये लर। ओके, एल डाउनवर्ड क्यों हुआ? क्योंकि एल के बाद आर की साउंड जुड़ रखी है, और एल में अगर आर साथ में जुड़ रहा है, एल के बाद आ रही है, आप ये भी ध्यान रखना, पहले नहीं, एल के बाद आर साउंड जुड़ रखी है, तो एल हमारा डार्क हो जाएगा, हम इसमें आर स्ट्रोक यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, एल अगर हमारा डार्क है तो इट मीन्स यहाँ आर की साउंड भी जुड़ रखी है। ओके, स्ट्रोक एल थिकेंड हमने पढ़ लिया कि एल डाउनवर्ड एल हमारा थिकेंड कब होगा, जब उसके साथ आर की साउंड जुड़े। ठीक है, अब है डाउनवर्ड आर। आर आर कब थिकेंड होगा? फॉर द एडिशन ऑफ अर ओनली। डाउनवर्ड आर इज थिकेंड फॉर द एडिशन ऑफ अर ई आर। जब डाउनवर्ड आर हमारा थिकेंड होगा, जब इसमें अर वाली साउंड जुड़े आर वाली ही, तो ये हमारा आर डाउनवर्ड थिकेंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हायर। अब ये टिक मैंने क्यों यूज़ की? हम पहले पढ़ चुके टिक एच, सो इसमें आपका डाउट नहीं होना चाहिए, एच के लिए हम टिक यूज़ करेंगे। ठीक है, हायर हायरर, एच की टिक और ये आर डाउनवर्ड हायरर। आर ई आर अर। ओके, सो अर आर ई आर, आर के साथ अगेन आर की साउंड आने पे आर हम डाउनवर्ड डार्क लिखेंगे। इट मीन्स यहाँ अगर आर डार्क है तो इसका मतलब है आर के साथ एक और आर की साउंड जुड़ी हुई है। ऐसे ही एल के साथ आर की साउंड, ऐसे ही आर के साथ आर की साउंड। ओके, बेयर बेयरर बी आर, ये हमारा आर डार्क है क्योंकि यहाँ पर आर ई आर साउंड है, आर के साथ एक और आर की साउंड है रर। एक्सप्लोरर एक्स लो रर, आर डार्क है रर। ठीक है, आर के बाद आर की साउंड है तो आर डार्क है। ठीक है, ये हमारे आप कह सकते हैं कि डेरिवेटिव्स वर्ड्स या रूट वर्ड्स भी हो सकते हैं जिनमें आर की अर वाली साउंड होती है, और उनमें हम जो डाउनवर्ड आर है उसे डार्क कर देंगे क्योंकि इसके साथ एक और कॉन्सोनेंट की साउंड हमारी जुड़ती है। आर के साथ आर कॉन्सोनेंट की, एल के साथ आर कॉन्सोनेंट साउंड जुड़ रही है, तो हम इसे डार्क कर देंगे। ठीक है, इसके लिए हमें अलग से दोबारा आर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, बट ये दोनों हमारे डाउनवर्ड होने चाहिए, नॉट अपवर्ड। अपवर्ड एल या अपवर्ड आर हमारा डार्क नहीं होगा, ये सिर्फ डाउनवर्ड एल और डाउनवर्ड आर ही डार्क होगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड रूल, ये हमारा थर्ड रूल। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। रूल नंबर थ्री में ही हमारा थर्ड पॉइंट है, यूज ऑफ एल आर। अपवर्ड एल, मैं आपको पहले ही बता चुकी कि डाउनवर्ड एल के साथ ही अगर आर की साउंड आती है तो ये डार्क होगा, एल और आर तब ये डार्क होगा एल आर। बट एल अगर अपवर्ड है और उसके बाद आर की साउंड आ रही है डाउनवर्ड की, तो ना तो आर हमारा डार्क होगा ना हमारा एल डार्क होगा। आर हमारा डार्क कब होता है? जब आर के साथ ई आर की साउंड हो। ठीक है, तो यहाँ तो कोई ई आर की साउंड नहीं है आर के बाद, एल के बाद ई आर की है, बट एल यहाँ हमारा अपवर्ड है। ओके, फॉर एग्जांपल बॉयलर बी एल एन आर, आर डाउनवर्ड एल अपवर्ड। ओके, बॉयलर। ठीक है,
एल अपवर्ड आने पे ही आर हमारा उसके साथ जॉइंट होगा डाउनवर्ड। एल के साथ एल को हम डार्ट नहीं करेंगे, एल डार्ट सिर्फ डाउनवर्ड के लिए यूज़ होगा। ओके मिल मिलर। ओके मी लर। ओके अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि एल अपवर्ड और डाउनवर्ड कब यूज़ करना है, तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं कहूँगी कि मैं आपको चैप्टर करवा चुकी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एल का, ठीक है। अगर आपका वो चैप्टर क्लियर है तो आपके पास ये क्वेश्चन होगा ही नहीं कि हमें कब एल अपवर्ड और कब डाउनवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो एल के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कब हमें अपवर्ड यूज़ करना है, कब हमें एल डाउनवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। मिलर, एल के बाद आर की साउंड है, एल हमारा अपवर्ड है तो आर डाउनवर्ड यूज़ होगा, एल हम डार्क यूज़ नहीं करेंगे अपवर्ड एल के लिए, ठीक है। ये हो गए हमारा रूल नंबर 3 कंप्लीट। या रूल नंबर 4 इज एस्पिरेटेड डब्ल्यू बाय इनलार्जिंग द हुक। एस्पिरेटेड डब्ल्यू जो हमने एस्पिरेट चैप्टर किया था जिसमें हमारी हश वाली एच वाली साउंड थी, इंग्लिश एच की साउंड आती है, इंग्लिश एच की साउंड आती है उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ W का मीन्स है कि इसके W के साथ हमारी एस्पिरेट साउंड आएगी H की, तो हमें क्या करना है, जब W के साथ एस्पिरेट साउंड आती है H वाली तो हमें लार्ज सर्कल यूज़ करना है, ठीक है। इन लार्ज W के साथ लार्ज सर्कल यूज़ करना है, लार्ज हुक यूज़ करना है, नॉट सर्कल लार्ज हुक, ठीक है, बाय इनलार्जिंग द हुक। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है विसल, आउटलाइन शुड बी वी स ल। ओके ये एल है हमारा, ठीक है। अब अगर ये तो विसल था, विसल, अब विसल ह वाली साउंड आ रही है एच डब्ल्यू के साथ और ये है विसल, ठीक है, तो इसकी आउटलाइन हमारी कैसी होगी, बाय इनलार्जिंग द हुक वी स। ये हमारा वे है, ठीक है, जो हमने W कंप्लीट यूज़ किया था यहाँ, बट इसमें H एस्पिरेट साउंड है H की, तो हम इसमें लार्ज हुक यूज़ कर देंगे, नॉट स्मॉल, ये हमारा लार्ज हुक यूज़ हो जाएगा, ये छोटा सा हमारा बड़ा हो जाएगा लार्ज हुक, ठीक है। विसल वी, ऐसे ही अवेयर हमारी आउटलाइन थी अवेयर, ऐसे ही हमारी जो वेयर है W के साथ H एस्पिरेट साउंड है, सो ये हमारा लार्ज हुक लग जाएगा वेयर, ठीक है। ओके एस्पिरेट W, यहाँ L वाला नहीं है कि L के पहले अगर W की साउंड आती है स्मॉल हुक यूज़ करना है, वो वाला नहीं है, यहाँ L का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे अगर किसी वर्ड के पहले अगर डब्ल्यू एच है सो वे स्ट्रोक है हमारा, और उससे पहले हमारी उसमें हमारी एस्पिरेट साउंड आती है एच वाली, तो हमें वे को लार्ज कर देना है, ये हमारा वे है, इसमें हम स्मॉल हुक होता था यूज़, ये हमारा लार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब है वोवल प्रीसीडिंग डब्ल्यू और डब्ल्यू एच। वाइल, अगर W है जो जैसे वाइल हमने पढ़ा था W H वाला कि हम L के साथ W आने पे स्मॉल हुक यूज़ कर रहे थे ये, और W H आने पे लार्ज हुक, ठीक है। अब अगर वोवल साउंड आती है इससे पहले तो क्या करना है, W H वाइल हमने कहा था L के साथ W H, L से पहले W H की साउंड जो हम रूल नंबर 1 में पढ़ चुके, तो लार्ज हुक लगेगा और सिर्फ W के लिए स्मॉल हुक लगेगा, ठीक है L के साथ। बट अगर इसमें अगर वोवल साउंड आ जाए, चाहे वो W हो या W H, इससे पहले वोवल साउंड आए तो हम स्ट्रोक यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसकी जो आउटलाइन होगी हमारी
a while, okay? So, vowel, a, and then I diphthong and L. अब आप कहेंगे कि ये मैंने लार्ज क्यों क्यों यूज़ किया, वोवल साउंड पहले आई, स्ट्रोक यूज़ करना था, तो हमने ये क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि इससे पहले ही पॉइंट हो गया हमारा कि एस्पिरेट साउंड W के बाद H वाली साउंड है, वह वाली, वह एच वाली है वाली, और उससे पहले ये तो हमारा डब्ल्यू एच है ही लार्ज हुक जो हम L से पहले लगाते थे. अब हमें ये कंप्लीट स्ट्रोक बनाना है W ऐसे ही लार्ज हुक लगाते हुए, क्योंकि वोवल साउंड पहले आ रखी है. अगर वोवल साउंड पहले नहीं होती तो हम ये बनाते, ठीक है? वोवल साउंड इसके पहले है तो हमने स्ट्रोक बनाया एंड देन L. स्ट्रोक में हमारा इनिशियल लार्ज हुक हो गया, ठीक है? वे वाला ये हमारा लार्ज हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें एस्पिरेट साउंड है, एस्पिरेटेड W, ठीक है? नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 5. वोवल आफ्टर फाइनल आर द थिकेंड फॉर्म एल एंड एल आर एंड आर आर मस्ट नॉट बी रिटन फाइनली इफ वोवल फॉलोज. ये मैं आपको बता भी चुकी, ये हमारा रूल भी है कि अगर वोवल साउंड आती है एल आर, थिकेंड जो साउंड है हमारी एल आर या आर आर के बाद, तो हम इसे हम थिकेंड ना यूज़ कर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? एल आर या आर आर को हम थिकेंड यूज़ नहीं करेंगे अगर इनके बाद कोई वोवल साउंड आती है तो. फॉर एग्जाम्पल फुलर है, एल ई आर है, तो थिकेंड होगा क्योंकि इसके आर के बाद कोई वोवल साउंड नहीं है. सो ये तो हमारी होगी फुलर, ठीक है? क्योंकि आर के बाद कोई वोवल साउंड नहीं है, पर रूल हमारा क्या कहता है, अगर आर के बाद वोवल साउंड आती है तो क्या करना है, तो हमारी आउटलाइन होगी फू ल री, ओके? फुल री. फू आर के बाद वोवल साउंड है, लाइट वोवल थर्ड प्लेस, सो एफ एल अपवर्ड यूज होगा एंड देन आर अपवर्ड, फुल री, ओके? अगर फुलर है तो एल को हम डाउनवर्ड डार्क कर देंगे, और फुल री है तो एल के बाद भी वोवल साउंड है और आर के बाद भी है. सो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रोक यूज होगा, ओके? नेक्स्ट एग्जांपल इज वेलर वी लर, ओके? ये हो गया हमारा वेलर. एल के बाद आर की साउंड है, डार्क होगा, डाउनवर्ड है, बट एल के बाद अगर आर है जो भी लास्ट कॉन्सोनेंट है उसके बाद हमारा वोवल आ जाए तो हम डार्क थिकन ना करके कंप्लीट स्ट्रोक बनाएंगे, ओके? सो ये हमारी आउटलाइन होगी वे ल री, ओके? री आर अपवर्ड और देन वोवल साउंड, यहाँ डार्क नहीं होगा, ठीक है? सो पांचवा रूल हमारा कहता है कि अगर ये जो थिकेंड फॉर्म हम यूज़ कर रहे थे इनके बाद अगर वोवल साउंड आ जाए तो हम थिकेंड फॉर्म यूज़ ना करके कंप्लीट स्ट्रोक यूज़ करेंगे. एल आर, आर अपवर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि वोवल साउंड आर के बाद है, तो वोवल साउंड लास्ट में आने पे आर हमारा अपवर्ड यूज़ होता है, ओके? सो यहाँ मैंने नोट भी लिखा है विद फाइनल वोवल, जब लास्ट में वोवल साउंड आए तो एल अपवर्ड और आर अपवर्ड शुड बी यूज्ड. एल और आर अपवर्ड यूज होंगे, ठीक है? शुड बी अपवर्ड, एल एंड आर शुड बी अपवर्ड विथ फाइनल वोवल, ओके? अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट रूल पे. रूल नंबर 5 के बाद हमारा आता है रूल नंबर 6. सो फ्रेंड्स, रूल नंबर 6 है हमारा एडिशन ऑफ पी और बी टू एम. अब हमारा जो एम स्ट्रोक है उसके साथ ऐड होगा पी और बी, और ये हो जाएगा हमारा डार्क, ठीक है? इसे आप, जब ये एम हमारा एम स्ट्रोक डार्क है,
इट मीन्स इसे आप एम के साथ पी और बी जोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। रूल नंबर 6, एडिशन ऑफ पी और बी टू एम, एम के साथ पी और बी का जुड़ना, कंपाउंड कॉन्सोनेंट है हमारा, ठीक है। द कर्व एम इज थिकेंड फॉर द एडिशन ऑफ पी बी, जो कर्व है हमारा एम ये डार्क हो जाएगा, थिकेंड हो जाएगा फॉर द एडिशन ऑफ पी बी, पी बी, ठीक है। जैसे एल और आर के साथ आर की साउंड जुड़ने पे, एल के साथ आर और आर के साथ ई आर वाले साउंड जुड़ने पे डाउनवर्ड आर और डाउनवर्ड एल हमारा थिकेंड हो रहा था, वैसे ही एम के साथ पी और बी जुड़ने पे एम हमारा डार्क हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हैम, एच की हमने टिक पढ़ ली कि एच की हम आप टिक यूज़ करेंगे जहाँ हमारी टिक यूज़ हो सकती है, हैम, हैम्प, एम के बाद पी है तो इट मीन्स हम एम को डार्क कर देंगे, हैम्प, ठीक है, हैम्प, पी, एम और पी। अब ये जो है डार्क एम हमारा एम के साथ पी रीड होगा, इसके लिए हमें अलग से पी स्ट्रोक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा कंपाउंड कॉन्सोनेंट हो गया एम के साथ पी, ठीक है। मॉस, एम एस मॉस, एम बॉस, एम के साथ बी, पी और बी हम जॉइंट कर सकते हैं एम के साथ, ये होगा हमारा एम बॉस। बी के बाद साउंड है फर्स्ट प्लेस की है ओ, एम बॉस, ठीक है, एम, एम और बी, एम हमारा लाइट है, उसके साथ बी आने पे ये हमारा डार्क हो जाएगा, ठीक है। सो जिन स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि अगर हम वे, ये एम एन इनको डार्क कर दे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, तो फ़र्क पड़ेगा फ्रेंड्स, जैसे हमारा यहाँ एम में फ़र्क पड़ रहा है कि एम हम डार्क करेंगे तो इट मीन्स ये एम के साथ पी और बी रीड होगा, ठीक है। सो किसी भी स्ट्रोक को हम अपने अकॉर्डिंग नहीं लेके चलेंगे, जो लाइट है उसे लाइट लिखेंगे, जो डार्क है उसे डार्क ही लिखेंगे, ठीक है। रूल नंबर 6 में ही हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो है हुक्ड फॉर्म ऑफ एम पी एम बी, एन इनिशियल और फाइनल हुक में बी अटैच टू द साइन एम, इस साइन के साथ हम इनिशियल और फाइनल हुक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एम पी और एम बी। हैम्पेन, आउटलाइन शुड बी एच एम पेन, ये हमारा डार्क है, ठीक है, डार्क ही बनाना है, लाइट नहीं बनाना, अगर लाइट बनाओगे तो ये सिर्फ एम रीड होगा, नॉट एम पी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एम्बिशन, एम बीशन, एम बीशन, बी के बाद आई साउंड है, शन से पहले है, ये हमारा शन हुक हम पढ़ चुके, तो शन हुक से पहले यहाँ लगेगी, ये हमारा एम प्लस बी रीड होगा, एम बी, ये हमारा एम प्लस पी, ठीक है, एच की हमने टिक यूज़ कर दी, ठीक है, एम बीशन, ठीक है, ओके। अब आपको अलग से बी स्ट्रोक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एम के बाद अगर बी या एम के बाद पी आता है तो हम एम को ही डार्क कर देंगे, ठीक है। अब इसी में रूल नंबर 6 में ही हमारा लास्ट पॉइंट है इमीडिएटली फॉलोज एम, लास्ट पॉइंट है हमारा द साइन एम, जो साइन एम है हमारा डार्क वाला इज नॉट यूज्ड, डार्क एम हमारा यूज नहीं होगा जब पर बर पल बल, पी एम हम पी के साथ और बी के साथ यूज़ करते हैं, तो पी के बाद और बी के बाद अगर आर और एल हुक आता है तो हम एम साइन ये डार्क वाला यूज़ नहीं करेंगे, ओके। जैसे आप देख सकते हैं ये एम है हमारा, एम के बाद पी है बट एल भी है, एल हुक पल है, ठीक है,
और यहाँ भी आप देखेंगे एम के बाद बी और एल दोनों हैं, बल बी और एल है, तो भी हम एम को डार्क ना करके बी स्ट्रोक और एल हुक बनाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल इम्प्लाई, इम्प्लाई, ओके, इम्पेल, ये होगा हमारा एम एर एल। अब यहाँ मैंने एम डार्क क्यों यूज़ किया, क्योंकि एम के बाद पी है और पी के बाद तुरंत एल ना हो कि वोवल है, ठीक है। सो रूल क्या कहता है कि द साइन इज नॉट यूज व्हेन पर बर पल बल इमीडिएटली फॉलोज, इमीडिएटली एम के साथ आए, एम के बाद आए, पर यहाँ एम के बाद पी है, एल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम एम डार्क बनाएंगे और देन एल, इम्पली, इम्पेल, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्बलम, एम बी एम एम ब्लैम, ठीक है। अब यहाँ बी के बाद तो एम के बाद, एम के तुरंत बाद बी और एल है, बी एल, ठीक है, एम के बाद। यहाँ एम के बाद सिर्फ पी है, देन वोवल है, यहाँ भी हमारा एम के बाद पी एल है, पी एल है, तो जहाँ हमारा पर बर पल पल एक इकट्ठा इमिडिएटली आए एम के बाद, ठीक है, फॉलोज एम, एम को फॉलो करें, तो वहाँ हम एम डार्क ना बना के लाइट एम बनाएंगे और देन पर बर पल बल इनका हुक यूज़ करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा रूल नंबर 6 कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट होता है हमारे यहाँ पे, कंपाउंड कॉन्सोनेंट चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब आपको करनी है प्रैक्टिस, एक एक रूल को अच्छे से समझिए, ये मत देखिए लंबा चैप्टर है, नहीं, लंबा चैप्टर क्यों है, आपको अच्छे से समझाने के लिए ये चैप्टर लंबा किया है, ठीक है, ना तो इसे शॉर्ट में भी कर सकती थी मैं, ओके। सो फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, ओके। पहले आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है, एक एक रूल को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। जब तक आपको पहला रूल क्लियर नहीं हुआ, सेकेंड रूल पर मत जाइए, ठीक है। पहला रूल क्लियर कीजिए, ये कोई टफ चैप्टर नहीं है, ये भी इजी चैप्टर है, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, और एक और बात, मैं पिटमैन शॉर्ट हैंड करवा रही हूँ, सो पिटमैन शॉर्ट हैंड में ये ही रूल है सभी, फ़र्क इतना है कि वो आगे पीछे दे रखे हैं, और जिस सीरीज़ में मैं करवा रही हूँ इसके अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है। पिटमैन शॉर्ट हैंड में क्या है कि कोई रूल पहले दे रखा है, वो उसी से रिलेटेड रूल लास्ट में दे रखा है, तो वो मैंने दोनों इकट्ठे कर रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इससे रिलेटेड फ्रेज होगी या ग्रामर लॉक्स होगी वो हम देखेंगे, वो हम करेंगे, ठीक है, और हो सका तो इससे रिलेटेड हम टेबल भी बनाएंगे, ओके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली एंड पेशेंसली, थैंक यू, बाय, टेक केयर।